अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में सेफ़ होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अवैस अहमद। आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूं, इसमें मैं आपको पांच ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूं जिनको यूज़ करके आप अपने बिज़नेस को, अपने कारोबार को इन लॉकडाउन के डेज़ में भी कामयाबी तक पहुँचा सकते हैं। इंशाल्लाह ये टिप्स यूज़ करने के बाद आपको फ़ायदा मिलेगा अपने बिज़नेस में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर इन टिप्स के अलावा आपके पास मज़ीद कोई टिप्स हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं वो भी सब दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी उन टिप्स की तरफ। तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आप जो भी कारोबार करते हैं, छोटा मोटा जो भी आपकी शॉप है, जो भी जनरल स्टोर है या जो भी चीज़ है, तो आप कैश टू कैश काम करें। इन डेज़ में आप कभी भी उधार पे या मतलब इस तरह सामान ना दें। आप बोल दें साफ के भाई, आजकल जो हालात हैं, लॉकडाउन के डेज़ हैं, तो इनमें हम जो है वैसे काम नहीं कर सकते, तो हमने कैश टू कैश काम करना है। क्योंकि मैक्सिमम बिज़नेस में मसला ये आता है कि उधार बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो इतने वसाइल नहीं होते कि नया सामान फिर ख़रीद सके। तो आजकल के जो डेज़ हैं, इसमें वैसे ही बिज़नेस बहुत डाउन जा रहा है। तो इस वजह से आप लोगों ने ये लाजमी करना है कि जो भी काम कर रहे हैं वो कैश टू कैश करना है। फौरी कैश पेमेंट करेंगे, उसी के साथ आप वो उनको चीज़ प्रोवाइड करेंगे। दूसरी टिप जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए है जिनका कारोबार अभी नया नया था या छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं। तो आजकल के दिनों में लॉकडाउन, अभी कुछ ही दिनों में एक न्यूज़ में पढ़ रहा था, उसमें आ रहा है कि कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट जो है वो ऐलान करने वाली है, जो स्टेट बैंक की तरफ से कुछ लोगों को कर्ज़े दिए जाएंगे अपने बिज़नेस को चलाने के लिए। और वो कर्ज़ों का सबसे बड़ा जो फ़ायदा वो ये है कि बिला सूद कर्ज़े दिए जाएंगे इस सिचुएशन को देखते हुए, और उन कर्ज़ों की जो वापसी की अदायगी है वो भी, उसकी फ़र्स्ट जो किस्त आपने पहली किस्त जो देनी होगी वो तकरीबन 6 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा, 6 महीने के बाद आपने पे करनी होगी। तो ऐसे आप बैंक से लोन वगैरह लेके और उस पे आप अपने कारोबार में इन्वेस्ट करके या आप कारोबार में यूज़ करके अभी इन दिनों में आप कोई लोन लेके तो आप उसको स्टेबल कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह जैसे ही वो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन कोई आएगा स्टेट बैंक की तरफ से जो कर्ज़े देने हैं उन्होंने, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगा कि उसका क्या प्रोसेस होगा, वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना मिल रहा है और उसकी वापसी क्या होगी, तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। तो ये दूसरी चीज़ होगी, आप इससे भी अपने बिज़नेस को स्टेबल कर सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेफ्टी के लिए भी और हम सब की सेफ्टी के लिए, कि आप इन्वायरमेंट ऐसा बनाए अपने शॉप पे या आपका स्टोर है या जो भी है कि वो कोरोना फ्री इन्वायरमेंट हो। यानी आप वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जहाँ पे लोगों को ये डर ना हो कि हमें कहीं से कोरोना लग जाएगा, या हम मतलब बचने के ऐसे वसायल बना दें वहाँ पे कि किसी को कोई डर ना हो, वो बिला खौफ ख़तर आपके पास आए और आपके पास जो अपनी शॉपिंग है वो अपनी कंप्लीट करे। तो उसके लिए आप इस तरह करें कि आप मार्किंग कर लें अपने शॉप में या वो स्टोर में, आप मार्किंग कर दें टेप से या पेंट से या चॉक से, या वो डिस्टेंसिंग रखते हुए मुख्तलिफ दायरे बना दें जहाँ पे लोग जब आएँ तो वो दायरे में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करें और प्रॉपर डिस्टेंस हो, एक बंदे से दूसरे बंदे का डिस्टेंस हो, वो डिस्टेंस को वहाँ पे रख के तो वो अपनी शॉपिंग कर सकें और उनको किसी किस्म का डर ना हो कि हमें कोई इफेक्ट हो सकता है कोरोना का या कोई मसला हो सकता है, जिससे आपका कारोबार मज़ीद चलेगा और लोग बिला खौफ ख़तर आपके शॉपिंग करने के लिए आपकी दुकान पे या जनरल स्टोर पे या वो आएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़, एक और चौथा पॉइंट जो मैं आपको बताने लगा वो बहुत ही ईजी भी है और उसमें आपको फ़ायदा भी है। आप इस तरह करें कि सैनिटाइज़र की जो छोटी बॉटल्स होती हैं वो लेके परचेज़ करके कहीं से लेके आप अपने पास रख लें, लाजमी बल्क में ले लें। तो जो भी बंदा शॉपिंग करने के लिए आता है, चाहे वो 100 रुपए की शॉपिंग करता है या 1000 रुपए की करता है या 10,000 की शॉपिंग करता है, चीज़ें लेता है, ग्रॉसरीज लेता है, जो भी चीज़ लेता है, तो वो आप सैनिटाइज़र की एक बॉटल जो है वो उनको साथ में फ्री दें। इससे बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा और जो भी परचेज़र होगा वो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेगा और वो आइंदा भी खुशी से आपके पास आना पसंद करेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी एक छोटी सी टिप है कि आप सैनिटाइज़र की बॉटल जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कोरोना से बचने के लिए, तो वो भी आप साथ दे दिया करें। और जो लास्ट टिप मैं आपको, पांचवा टिप बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि आप कोशिश ये करें कि आप जो आपकी जो भी चीज़ें आपकी शॉप में हैं उनकी प्राइस इंक्रीज़ ना करें,
मैक्सिमम हम लोग ये करते हैं कि अभी हमें पता है कि चूंकि हर बंदे को ज़रूरत है चीज़ों की, तो हम लोग अपना वो बिज़नेस बढ़ाने के लिए या अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए हम लोग चीज़ों की प्राइस आसमानों तक ले जाते हैं। तो हमें ये भी कंट्रोल करना है कि हम अपनी चीज़ को मुनासिब प्राइस पे रखें, और कभी भी जो है ना हम स्टॉक करके ना रखें चीज़ें, ज़्यादा बल्क में स्टॉक करके हम रख लेते हैं ताकि जी इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो फिर हम आके देंगे, नहीं। ये बिज़नेस जो है, ये बिज़नेस का रूल कभी भी नहीं रहा कि आप अपनी जो जायज़ मुनाफ़ा है उससे ऊपर लेना, वैसे भी हराम है। तो आप जायज़ मुनाफ़ा रख के चीज़ों को स्टोर किए बगैर आप अपना बिज़नेस करें, अपनी चीज़ों को उनकी जो ओरिजिनल प्राइस है उन प्राइस पे जो पहले चल रही है उस पे दें, और इंशाल्लाह इस चीज़ को भी देख के गाहक बहुत ज़्यादा आपके पास आएंगे और आपका रिज़्क वैसे ही अल्लाह ताला इस चीज़ से बढ़ा देंगे कि आप मुनासिब मुनाफ़ा लेके चीज़ें बेचें। और उम्मीद है आप लोगों को ये टिप्स पसंद आई होंगी। ये टिप्स आप अप्लाई करके अपने बिज़नेस को लॉकडाउन के डेज़ में भी इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा चला सकते हैं, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मज़ीद कुछ टिप्स बताऊँगा। दुआओं की गुजारिश है।